प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक आगामी 15 व 16 मार्च को गुरु नगरी पांवटा साहिब में आयोजित होगी, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। कार्य समिति की बैठक के मद्देनजर हिमाचल भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन मंत्री पवन राणा, सांसद सुरेश कश्यप समेत कई बड़े नेता पांवटा साहिब पहुँचे। बैठक को सफल बनाने के लिए पार्टी द्वारा विभिन्न 17 समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी है। वही इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी टीम की घोषणा की जाएगी, जिसके बाद भाजपा कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक 15 व 16 मार्च को पांवटा साहिब में होनी निश्चित हुई है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि इस बैठक में कार्य समिति निर्णय करेगी कि आगामी समय में पार्टी द्वारा किस तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाए जाएंगे और किस तरह के कदम पार्टी को मजबूत करने की दिशा में उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। थोड़े ही समय के अंदर अन्य जो हमारे प्रवक्ता हैं, मीडिया के सह प्रभारी हैं, उनकी घोषणा करते हुए और बहुत ही जल्दी हम प्रदेश की कार्य समिति की स्थायी आमंत्रित सदस्यों की और आमंत्रित सदस्यों की घोषणा करने वाले हैं। इससे आगे बढ़कर के पार्टी ने निर्णय किया है कि हमारी जो नई कार्य समिति है वो बहुत जल्दी अपने कार्य को अंजाम देना शुरू कर दे, जल्दी से संगठन पैना हो जाए। इस दृष्टि से 2 दिवसीय कार्य समिति का आयोजन वो निश्चित किया है। 15 मार्च और 16 मार्च 2 दिन के लिए कार्य समिति का आयोजन गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु नगरी पांवटा साहब के अंदर करने का निर्णय किया है और इस कार्य समिति के अंदर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के सभी मंत्री, प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण नेतागण वो 2 दिन तक लगातार पांवटा साहब में रह करके मंथन करेंगे कि अगले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दिशा किस प्रकार की होगी, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कार्य करेगी और किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ेगी। उस सब का जो मंथन और निचोड़ है वो हमारे पांवटा साहब के अंदर गुरु की नगरी के अंदर लिया जाएगा। उस हेतु आज जिला सिरमौर के सभी श्रेष्ठ नेताओं के संग हमारे संगठन महामंत्री जी और हमने एक बैठक की है, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं संबंधी उसमें चर्चा की है। हमारी कार्य समिति एवियन रिजॉर्ट के अंदर संपन्न होगी। हमारे जितने नेतागण आएंगे वो केंद्र के हैं, हमारे सांसदगण हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब लोग पूरे पांवटा साहब के विभिन्न स्थानों के अंदर ठहरेंगे। तो अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। कार्यक्रम में जो प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, साज सज्जा है, भोजन व्यवस्था है, सबकी अलग अलग समितियाँ, मीडिया की समिति, सोशल मीडिया की समिति, ऐसे करते हुए 17 समितियों का गठन किया है और जिला सिरमौर के सभी कार्यकर्ताओं को उन कार्यों का विभाजन करके कार्य निष्पादन के लिए लगाया है। और ये हमारी परंपरा है कि हमारा कार्यकर्ता हमारी पार्टी के कार्य को बड़े प्रभावी ढंग से करता है। 16 तारीख को दिन में 1 बजे इसका समारोह होगा और समारोह के ऊपर प्रयास रहेगा कि दिल्ली से हमारे महत्वपूर्ण कोई ना कोई नेता अवश्य पधारें। उस दिशा के अंदर भी हम प्रयास करेंगे कि नगर के महत्वपूर्ण जन भी विशेष रूप से उस समारोह के कार्यक्रम में रहें।